दोस्तों, चंबल में हथियारों को हमेशा से ही स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है। यहाँ की जीवन शैली में हथियार को गन कल्चर के रूप में देखा जाता है। कंधे पर लाइसेंसी बंदूक होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए जमीन बेचनी पड़े या किसी और तरीके से इसे लेना पड़े। यदि लाइसेंसी नहीं है तो अवैध हथियार तो होना ही चाहिए। यही कारण है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंदूकें चंबल इलाके में है। आज हालात ये हैं कि ग्वालियर में लाइसेंसी हथियार 33,700 तक पहुंच गए हैं। ये संख्या प्रदेश के 52 जिलों में सर्वाधिक है। अगर अनुमान लगाया जाए तो ग्वालियर के हर 8वें व्यक्ति के पास बंदूक है, जो कि घातक है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ का गन कल्चर इन लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक दुल्हनिया जो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है लेकिन शादी के स्टेज पर फायरिंग कर रही है, बस यहीं से शुरू होता है गन कल्चर। ग्वालियर और चंबल अंचल में बंदूक का स्टेटस। ग्वालियर और चंबल में हथियारों की संख्या करीब 1.5 लाख है। ये प्रदेश में जारी लाइसेंस का 38% है और इससे साफ जाहिर होता है कि हथियारों का सबसे ज्यादा क्रेज ग्वालियर और चंबल संभाग में है। लोग अपना घर बेचकर या गिरवी रखकर भी हथियार खरीद लेते हैं। मौजूदा स्थिति में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव जनरेशन में भी विरासत में मिले हथियारों का क्रेज नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ग्वालियर अंचल के हथियारों की संख्या के बारे में। दोस्तों, ग्वालियर में 33,700, मुरैना में 29,650, भिंड जिले में 26,650, शिवपुरी में 13,087, दतिया में 11,675 और शिवपुर में 4,093 हथियार हैं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 1,100 आवेदन लंबित हैं। दोस्तों, चंबल में बढ़ते बंदूक के क्रेज को लेकर हर वर्ग के लोग चिंतित हैं, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन बंदूकों का शिकार हो जाते हैं। हथियारों के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगता है कि कलेक्टर SDM से मिलने वाला हर तीसरा व्यक्ति लाइसेंस की फरियाद ही करता है। सिर्फ ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ही इन दिनों 1,100 आवेदन लंबित हैं। वहीं पुलिस के अलग अलग दफ्तरों में 3,700 आवेदन अभी प्रक्रिया में है। इसके बाद भी आवेदनों की रफ्तार थमी नहीं है। हर सप्ताह 80-90 आवेदक हथियार लाइसेंस के नए आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही 600 आवेदनों को अभी ही निरस्त किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, लाइसेंसी हथियार का शौक सिर्फ आम लोगों या जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। अफसर और उनकी पत्नियां भी गन रखने में विश्वास करती हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और निगम आयुक्त किशोर कान्याल के नाम भी पिस्टल, रिवॉल्वर का लाइसेंस है। लाइसेंसी हथियार रखने वाले अफसरों की सूची में ग्वालियर के SDM CB प्रसाद, अनिल बनवारिया, अशोक सिंह, प्रदीप सिंह तोमर समेत कुछ अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। कलेक्टर कार्यालय से केंद्रीय और राज्य मंत्री के अलावा सांसद और विधायकों के नाम भी पूर्व में लाइसेंस जारी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।